स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान करता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय करने वाला है। इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है। महाभारत शांति पर्व में कहा है, अग्नि जिसका मुख दो लोक, मस्तक आकाश, नाभि पृथ्वी, दोनों चरण, सूर्य, नेत्र तथा दिशाएं, कान है, उस सब सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। स्मृति के वचन से उसकी भूल मूलभूत किसी श्रुति का होना सिद्ध होता है। उपयुक्त छांदोक्त श्रुति में जो वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन है वही पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है। अतः यहाँ उस परब्रह्म के विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है। यह बात स्मृति से भी सिद्ध होती है। अतएव जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ उसे परब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहिए, जठरानल या जीवात्मा का नहीं। मांडोपनिषद में ब्रह्म के चार पदों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर को बताया है। वहाँ भी वह परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है, जठराग्नि या जीवात्मा का नहीं। संबंध उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करते उसका समाधान करते हैं। यदि कहो शाब्दिक हेतुओं से अर्थार्थ अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस मंत्र में गाहपत्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है, इसलिए तथा श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिए भी यह वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है। इसके सिवा केवल जठरानल का विश्व विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं, इसलिए तथा इन वैश्वानर को पुरुष नाम देकर भी पढ़ते हैं। इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या, यदि कहो कि अन्य श्रुति में अर्थ यथा जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है तथा जिस श्रुति पर विचार चल रहा है उसमें भी गाहपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसी प्रकार भगवद गीता में भी कहा है कि मैं ही वैश्वानर रूप में प्राणियों के शरीर में स्थित हो चार प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इस सब कारणों से यह वैश्वानर के नाम से जठराग्नि का ही वर्णन है, परमात्मा का नहीं तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि करने के उद्देश्य से ही है। यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता। तथा श्रीमद् भागवत गीता में भी जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया है वहाँ भी उसमें परमात्मा बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है। इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा है उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया है, सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोक की कल्पना की गई है। ये जठराग्नि के लिए असंभव भी है एवं शतपथ ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं है। इन सब कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वरी है, जठराग्नि का या अन्य कोई नहीं। संबंध, इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दीव आदित्य वायु आकाश जल तथा पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कहते हैं।